हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ कुछ ऐसी बात करने जो हम सबको पता है और हम सबको सुनने में आता है, बट हमें उसका लॉजिक नहीं पता कि कैसे ये चीज़ ट्रू हो सकती है। तो हम सब ने सुना होगा कि आर थॉट्स क्रिएट आर रियलिटी। हाउ? वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्क्ड इन माय माय क्लास, जिसमें उन्होंने पूछा कि कैसे हम रियलिटी क्रिएट कर देंगे सोच कर ही, कि ये बहुत ऐसी बात है जो कि हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। अगर मैं रोज सोचती हूँ कि मेरे ऑफिस में मेरी प्रमोशन हो रही है तो वो कैसे रियलिटी हो जाएगी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हम सोचते हैं, वो हम धीरे धीरे बिलीव करने लग जाते हैं। अगर हमारे माइंड में एक थॉट आया, पहले तो हम ये जानते हैं कि एक फैक्ट और एक थॉट में क्या डिफरेंस है। एक फैक्ट है एक ट्रू इंसिडेंट, पर उस ट्रू इंसिडेंट को लेकर मैं क्या सोचती हूँ, ये मेरा उस पर थॉट है। मेरी जॉब अच्छी है, ये मेरा थॉट है। मेरे पास एक जॉब है, ये मेरा फैक्ट है, विच कैन ऑल्सो बी सेड टू बी अ सर्कमस्टांस। तो ये जो मेरा थॉट है कि मेरे पास अच्छी जॉब है, अगर ये मैं इसी थॉट पे काम करती रहूंगी तो मेरा माइंड मुझे एविडेंस देगा कि कैसे दिस इज अ गुड जॉब फॉर मी, कैसे दिस इज अ गुड रिलेशनशिप फॉर मी, कैसे दिस प्लेस इज नाइस फॉर मी, कैसे ये कंट्री मेरे लिए अच्छी है। मेरा माइंड उस चीजों को मुझे एविडेंस देगा। सो हाउ इट्स बिकमिंग ट्रू इज these kind of evidences we just see day on day, month on month, week by week. हम ये evidences रोज देखना चाहते हैं, हमारा mind हमें वही evidence देगा। अब on the contrary, if we are looking at negative circumstances, मुझे promotion नहीं मिल रही है, मेरा boss, मेरी जो performance है, he is not seeing that performance, I am performing so well, बट ये कोई देख ही नहीं रहा है। अगर मैं रोज यही थॉट लेकर काम करूंगी तो वो एक्चुअली में कोई नहीं देखेगा, बिकॉज मेरा माइंड उसी के रीजंस को देगा, उसी के एविडेंसेस मुझे देगा कि देखो वो नहीं देख रहा है, देखो दैट यू नो परफॉर्मेंस इज नॉट अप्रेज्ड, सी दैट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद समबडी एल्स एंड ही इज डूइंग बेटर। सो ये थॉट प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, बट अगर हम उस पॉजिटिव थॉट को लेके उस पर काम करेंगे कि हाँ माय वर्क इज गेटिंग अप्रिशिएटेड इन माय ऑफिस, तो उस थॉट को लेके हम उस पर काम कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन वील इवन वर्क हार्डर, हमें पता लगेगा कि हम क्या लैक कर रहे हैं और हम उस पर काम करेंगे। ऑल्सो इसका एक अदर एस्पेक्ट ये है कि उसी थॉट प्रोसेस में जब हम लग जाते हैं, हम उस पर काम करते रहते हैं, तो वेन वी आर स्लीपिंग विद दैट थॉट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो थॉट काम करता है, विच मीन्स दैट हम बार बार उस थॉट को सोच रहे हैं और उसी थॉट के साथ सो रहे हैं। तो एज वी ऑल नो, सबकॉन्शियस माइंड इज अवेक बट आर कॉन्शियस बींग इज स्लीपिंग। सबकॉन्शियस माइंड इज एट वर्क 24/7, 365 days a year। तो वो काम कर रहा है, हम उस नेगेटिव थॉट को लेके सो रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग दैट नेगेटिव थॉट अगेन एंड अगेन एवरी नाइट एवरी डे। सो व्हाट हैपेंस, दिस मेक्स आवर बिलीफ सिस्टम टू बी वेरी स्ट्रांग। हमें लग रहा है हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये रोज इसी थॉट के साथ हम सोएंगे कि इट्स सच अ यू नो स्ट्रेनियस जॉब फॉर मी, ये बहुत हेक्टिक जॉब है मेरे लिए और मैं सो रही हूँ उस थॉट को लेके, तो मैं वही थॉट से सुबह उठूंगी और वो मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तो हम अगर बिलीफ सिस्टम पे कंटिन्यूसली वर्क करें, अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव एविडेंसेस दें रादर देन नेगेटिव एविडेंसेस देने के बजाय, हम उस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें इंस्पायर्ड एक्शंस भी लेने हैं, विच मीन्स कि हम उस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक्शंस भी ले रहे हैं कि नो इट्स नॉट अ हेक्टिक जॉब फॉर मी बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अब फ्री हूँ, अब मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकती हूँ।
तो ये छोटी सी चीज मुझे आपको बतानी थी कि हमारे थॉट्स कैसे हमारी रियलिटी बन सकते हैं। जो भी आपका माइंड आपको थॉट देगा उसके एविडेंसेस भी वो लगातार आपको देता रहेगा कि यस यू आर राइट, इट्स नॉट वर्किंग वेल, दिस रिलेशनशिप इज नॉट दैट ग्रेट, यस यू आर राइट, इट्स नॉट टू गुड, योर ऑफिस इज नॉट ग्रेट। तो ये एविडेंसेस से हम बिलीफ सिस्टम अपना थॉट प्रोसेस और स्ट्रांग करते रहते हैं, विच देन लीड्स टू रियालिटी। इट बिकम्स आर रियालिटी दैट येस इट वॉज नॉट गुड, दैट्स वाई आई एम आउट ऑफ इट नाउ। सो वी हैव टू वर्क कंटिन्यूसली ऑन वॉट वी वॉन्ट। जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में वैसा ही थॉट लाना है। और आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट कंट्रोल ऑन योर यू नो फीलिंग्स एंड थॉट्स, बट ये एक डेलिबरेट एक्शन है, इट डजेंट कम ऑटोमेटिकली। सो आई होप ये थोड़ा सा आपका माइंडसेट इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ होगा एंड इन डेप्थ थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी हाउ दीज थिंग्स बिकम योर रियलिटी। सो अगर आपको ये वीडियो वर्थ वाइल लगी तो प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड यू कैन गेट इन टच विद मी इफ यू वॉन्ट सम पर्सनलाइज्ड ओपिनियन अबाउट सम थिंग्स यू नो रिपीटेडली हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज आई एम अ माइंडसेट एंड अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड अ होपोनोपोनो हीलर। Thank you for watching.